हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अकरम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बेल्टदार पजामे की सिलाई किस तरह से की जाती है उसकी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, बेल्टदार पजामे की कटिंग की वीडियो भी हम पहले ही बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बेल्टदार पजामे की सिलाई किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, बेल्टदार पजामे की सिलाई के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बेल्ट चिपकानी होगी, जैसे कि इसकी कमर है 32 इंच की, तो यहाँ पर हम इसमें से 32 इंच की बेल्ट काटेंगे और यहाँ से जो क्रॉस पॉकेट है इसके लिए हम ये जो शर्ट पट्टी का है इसमें से काटेंगे 7 इंच, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर 7 इंच का हमारा जेब का मुँह है, इसी तरह से 7 इंच की हम यहाँ से काटेंगे शर्ट पट्टी। ये देखिए दोस्तों, 7 इंच की हमने यहाँ से काट ली शर्ट पट्टी। उसके बाद दोस्तों, ये जो शर्ट पट्टी है इसमें से हम कर लेंगे दो हिस्से। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसे दो हिस्से कर लिए हैं और इन इस पेस्टिंग को मैं यहाँ से प्रेस से इसके ऊपर चिपका दूंगा। दोस्तों, इसको रख देते हैं साइड में। दोस्तों, बेल्टदार पजामा बनाने के लिए जो हमें बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है उस बेल्ट में हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान लगाने के लिए दोस्तों, यहाँ से जो यह कपड़ा है इस कपड़े के बराबर रखेंगे इसको फीता, और फीते को रखेंगे यहाँ से इस तरह से बराबर, और 4.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, 4.5 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम यहाँ से 2.5 इंच पर। ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे कमर के निशान, जो कि कमर हमारी दोस्तों है 32 इंच की, यहाँ पर हम लिख लेंगे 32 इंच। तो दोस्तों, 32 इंच को जो हमारा कमर है और 32 का आधा हो जाएगा 16, तो यहाँ से यहाँ पर हम लगाएंगे एक निशान 16 इंच पर। ये देखिए दोस्तों, 16 इंच पर ये निशान लग चुका है। उसके बाद एक और हम निशान लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पर, जो कि हमारे बैक में जो लूजिंग होती है उसमें काम आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगा दिया निशान और उसके बाद हम इसको काट देंगे। ये हमने काट दिया है। अब दोस्तों, दूसरे वाला जो हमारा हिस्सा है, एक हिस्से की बेल्ट हमने काट ली है और दूसरे हिस्से की बेल्ट काटने के लिए दोस्तों, इस बेल्ट को हम रख देंगे इसके बिल्कुल साथ में। यहाँ से जो ये निशान नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल बराबर रख देंगे यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने निशान यहाँ से लगा दिया। उसके बाद एक निशान हम लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ लगाएंगे निशान, और इस निशान पर से इसकी कर देंगे कटिंग। तो दोस्तों, ये है हमारे बेल्ट के निशान। अगर दोस्तों हम इसमें अगर इस पैंट में हमें लुपियाँ लगानी होती तो लुपियाँ का निशान इसके और इसके बीच में लगाया जाता, लेकिन इसमें जो बेल्टदार पजामा होता है उसमें लुपियाँ नहीं लगती हैं, इसलिए हमने सिर्फ इसके फिटिंग के निशान लगाए हैं। तो दोस्तों, अब हम फिटिंग के निशान लगाने के बाद इसको चिपका लेंगे कपड़े पर। तो दोस्तों, ये है वो कपड़ा है, और इस कपड़े में अब हम इसमें बेल्ट भी चिपकाने वाले हैं और जो यहाँ पर क्रॉस जेब पर हम वो लगाएंगे पेस्टिंग पट्टी वो भी चिपकाने वाले हैं। सबसे पहले हम उस उठाएंगे इस फ्रंट को रख देंगे इस तरह से, और जो ये बैग है इस बैग को हटा देंगे बिल्कुल, क्योंकि बैग की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये हमारा है फ्रंट, इसको हम दोबारा से खोल लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, खोल लिया है मैंने, और यहाँ पर जो ये जो मोहरी फोल्ड करने का जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इस पर हम लगा लेंगे हल्के हल्के से दो कुटके। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे निशान बन चुके हैं, और इन्हीं निशानों पर से हम इसको प्रेस से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुटके इस तरह से बिल्कुल चौंच बन गई है, और इस कुटके भी चौंच बन गई है, और इस पर फेर देंगे प्रेस इस तरह से, और इसी तरह से ये दूसरे वाले कपड़ों के भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये मैंने दोनों कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर इस तरह से। अब हमारा काम रहेगा ऊपर का। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं क्रॉस जेब। क्रॉस जेब बनाने के लिए दोस्तों, हम लगाएंगे यहाँ पर एक 2 इंच का निशान। यहाँ से यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा पहले लगा हुआ है, और एक निशान लगा लेंगे यहाँ से हम 7 इंच पर इस तरह से। और 7 इंच का जो हमने निशान लगाया है इसमें लगा लेंगे हम हल्का सा 1/2 इंच के लगभग कैंची से कट, और जो यहाँ से यहाँ पर जो 2 इंच का निशान था इस पर लगा लेंगे हम कुटका। दोस्तों, ये हमारे कुटका और दोनों निशान लग चुके हैं, और इन निशानों पर अब हम चिपकाएंगे पेस्टिंग, जो कि हमने शर्ट पट्टी से निकाली थी उस पेस्टिंग को इसमें चिपकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने वो पट्टी है जो काटी थी, और इसको रख लेंगे दोस्तों, ये गोंद वाला हिस्सा है इसको रख लेंगे इस कपड़े पर यहाँ से, और ये जो कुटका है दोस्तों इस कुटके के बिल्कुल चोंच में रखना है, और जो ये हमें पट्टियाँ चिपकानी है ये अंदर की तरफ चिपकानी है, जो हमारा कपड़ा है उसके अंदर की तरफ चिपकानी है। अब ये बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से जमा लिया है, उसके बाद इसके ऊपर फेर देंगे प्रेस। देखिए दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल प्रेस से चिपक चुका है। उसके बाद जो हमारा हिस्सा है फ्रंट का, इसको एक हिस्से को पकड़ेंगे और उसके बाद इस तरह से इसमें फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड दोस्तों, फोल्ड करते समय आपको एक बात याद रखनी है, जो यहाँ से जो पेस्टिंग की आपको किनार नज़र आ रही है, ये जो हम कपड़ा फोल्ड करेंगे बिल्कुल किनार के बराबर होना चाहिए। और एक बात और याद रखनी है, किनारे जो ये पेस्टिंग है ये फोल्ड नहीं करनी है हमें, बिल्कुल इसके जड़ के बराबर ही हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, पेस्टिंग को हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी एक साइड की किनार जो पेस्टिंग है वो चिपक चुकी है, अब हम चिपकाएंगे दूसरी तरफ की पेस्टिंग। दोनों साइड की जेबों की जो पट्टियां हैं उनको मैंने चिपका लिया है और इनको नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको उठाकर रख देंगे हम साइड में। दोस्तों, बेल्ट हम चिपकाएंगे इस कपड़े में, जो कि हमने पैंट की कटिंग करते वक्त साइड में से निकाला था, जो पजामा जो है इसके साइड में से इस कपड़े को निकाला था और इसमें हम चिपकाएंगे बेल्ट। पहले सबसे पहले दोस्तों इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको प्रेस से बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि इसकी सिलवटें ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद इन बेल्टों को हम उठा लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये जो गोंद वाला हिस्सा है इसको रखेंगे इस तरफ, इस तरह से इसको रख लेंगे बिल्कुल बराबर आगे से, यहाँ से आपको बराबर रखना है और यहाँ से यहाँ पर आधे इंच को मार्जिन को छोड़ते हुए आपको इसको चिपका देना इस तरह से। इसी के साथ दोस्तों, ये जो दूसरे वाला पेस्टिंग वाला हिस्सा है इसको भी हम इसके बराबर रख लेंगे यहाँ पर, जो ये किनार है आपको इस किनार को बाहर निकालते हुए इस तरह से इसको चिपका देंगे। और दोस्तों, आपको एक बात याद और रखनी है, यहाँ पर और यहाँ पर इनके जो बीच की दूरी है कम से कम 1.5 इंच की होनी चाहिए ताकि आसानी से ये बेल्ट फोल्ड हो सके। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको फिक्स 1.5 इंच ले रखा है, ये देखिए। उसके बाद इसको चिपका देंगे। दोस्तों, ये देखिए, अब हमारी ये बेल्ट जो दोनों प्रेस हमने चिपका ली हैं, उसके बाद इस कपड़े को हम काट देंगे। देखिए दोस्तों, इन कपड़े को मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है। उसके बाद हम इसको दोबारा इस तरह से सीधा करने के बाद एक बार और प्रेस फेर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको, ये जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है कपड़े का, इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से इसमें फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों, इस कपड़े को हम इसलिए फोल्ड कर रहे हैं ताकि ये कपड़े में अच्छी तरह से बेल्ट चढ़ाते वक्त फिनिशिंग आ जाए। इसी तरह से हम दूसरे वाले कपड़ों को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको याद एक बात और रखनी है, जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं इस तरफ आपको फोल्ड नहीं करना है, बल्कि दूसरी तरफ से इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी यहाँ पर मैंने बेल्ट चिपका दी है। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें से जेब। तो देखिए दोस्तों, ये वो कपड़ा है जो साइड में से हमने कटिंग करने के बाद निकाला है और इस कपड़े में से अब हम बनाएंगे जेब। जेब बनाने के लिए दोस्तों, हमने इसको देखिए यहाँ से फोर फोल्ड कर लिया है, इस तरह से बराबर कर लिया है। दोस्तों, जेबों की जो हमें नीचे से चौड़ाई चाहिए होगी, वो चाहिए होगी हमें कम से कम 7 इंच की। 7 इंच रखने के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 3.5 या 4 इंच का जो टुकड़ी जोड़नी पड़ेगी, उसके बाद हम इसकी पूर्ति कर सकेंगे। और ऊपर से जो हमें चाहिएगा कपड़ा, वो चाहिएगा 6 इंच का, जो कि यहाँ पर फिक्स है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से और यहाँ तक सिर्फ 1-2 इंच का जोड़ लगाना है और जोड़ लगाएंगे हम इस कपड़े में से। ये है हमारा जोड़ का कपड़ा और जोड़ लगेगा हमारा मशीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा प्रेस का काउंटर का काम ख़त्म हो चुका है, अब हमारा काम होगा मशीन पर। तो दोस्तों, चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो हमारे जेब के कपड़े हैं और इन जेब के कपड़ों में ये जो 4 कपड़े हैं इनको आपस में हम जोड़ कर लेंगे ताकि हमारी जेब कंप्लीट हो सके। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इन चारों पल्लों को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें जो जेब के लिए कपड़ा चाहिए होगा, वो चाहिएगा यहाँ से 7 या 7.5 इंच। तो दोस्तों, हम यहाँ से इसको 7.5 इंच पर ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया।
और ऊपर जो इसका ऊपर ये वाला ऊपर हिस्सा रखेंगे, इसको रखेंगे हम 6 इंच का। 6 इंच का रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच में निशान। यहाँ से जो इसका ऊपर वाला कपड़ा है इसी कपड़े से नापेंगे इसको 6 इंच। 6 इंच नापने के बाद इसकी कर देंगे हम कटिंग। तो दोस्तों ये हमारी जेब है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो हमारा बैंड फ्रंट है उसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमारा एक फ्रंट का हिस्सा है और इस हिस्से में हम एक जेब पकड़ेंगे। जो हमारे पास दो जेब का कपड़ा है उन कपड़ों में से एक कपड़ा पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर बराबर रख लेंगे। इसके देखिए दोस्तों यहाँ से भी बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर जो इस आपको प्रेस से जो फोल्ड हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल पास पास से हम इस कपड़े को आपस में रोकने के लिए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर दो दो सूत यानी एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ दो सूत की सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ जो ये कपड़ा है जेब के अंदर जो कपड़ा है यहाँ पर हम ये देखिए दोस्तों बिल्कुल कटा हुआ है। या तो आप इसको सिलाई से इस तरह से फोल्ड कर लें हल्का हल्का सा या फिर इसकी इंटरलॉक कर लें। मैं इसकी करूँगा इंटरलॉक। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी इंटरलॉक कर ली है और इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों इस कपड़े को मैं यहाँ से घुमा लूँगा और इस इंटरलॉक के ऊपर यहाँ से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लूँगा ताकि ये कपड़ा इस जेब के कपड़े से बिल्कुल चिपक जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस कपड़े को जेब के कपड़े को पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से कर लेंगे बिल्कुल बराबर। ये देखिए दोस्तों यहाँ से कर लेंगे बिल्कुल बराबर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे एक एक पैर की सिलाई। इस सिलाई को लगाने के बाद दोस्तों हम इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस कपड़े को सीधा कर लिया है। उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर एक एक पैर की और सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमने एक एक पैर की और सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये जेब बनने के बाद हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये हमारी जो जेब का मुंह है इस तरह से बन चुका है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक निशान। जो ये ऊपर वाली जो यहाँ से आपको कपड़ा नज़र आ रहा है यहाँ से हम लगाएंगे एक निशान 1.5 इंच पर। यहाँ से हमने हल्का सा 1.5 इंच पर निशान लगा लिया और इसी निशान से यहाँ पर एक और निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। यहाँ पर ये हमने 6 इंच का निशान लगा लिया और इन निशानों के बाहर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे सिलाई और ये जो अंदर का जो 6.5 इंच का या 6 इंच का हमारा है जो जेब का मुंह रह जाएगा ताकि इसमें हाथ आसानी से जा सके। उसके बाद हम इस सिलाई को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ लाकर इसमें एक हल्का सा डांट बांध देंगे ताकि यहाँ पर ये मजबूती से रुक जाए और फटे नहीं। देखिए दोस्तों इन दोनों सिलाइयों को लगाने के बाद यहाँ पर जो हमने 6 इंच का निशान लगाया था हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे मजबूत जिसे हम डांट वगैरह बोलते हैं और इसको यहाँ से भी पक्का कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जेब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये दोनों डार्ट जो हमने लगाए हैं यहाँ पर ये जेब की मजबूती के लिए लगाए हैं दोस्तों। ये हमारा एक साइड का जेब का जो फ्रंट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले फ्रंट को भी तैयार करेंगे सेम इसी तरह से। तो देखिए दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये हमारा जो एक हिस्सा है फ्रंट का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने यहाँ पर बाद में दो सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी कमर इसकी 32 इंच की
तो हम इस कपड़े को यहाँ से 32 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8, और 8 में एक इंच ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच, जो कि हमारा आधा इंच इधर और आधा इंच इधर महादन में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगा लेंगे 1.25 इंच का निशान, यहाँ से यहाँ पर 1.25 इंच पर लगा लेंगे, उसके बाद लगा लेंगे यहाँ पर 9 इंच पर निशान। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फिक्स 9 इंच पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोई कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से इस कपड़े को यहाँ पर जिस तरह से इसकी कटिंग हुई थी उसी तरह से तिरछा काट देंगे। इसी तरह से दोस्तों इस कपड़े को भी यहाँ से इस कपड़े के बराबर काट देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों फ्रंट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, एक हमारा फ्रंट ये है और दूसरा फ्रंट ये है, हमारे फ्रंट दोनों बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम अब इनको रख देंगे साइड में और अब हम डालेंगे पिछले हिस्से में 2 प्लेटें। देखिए दोस्तों, ये हमने हमारे बैक वाले हिस्से को उठा लिया है, अब हम इसमें लगाएंगे प्लेट के निशान। दोस्तों प्लेट हम निशान लगाएंगे इस तरह से। प्लेट के निशान लगाने के लिए दोस्तों, हम यहाँ से हमने 2.5 इंच के लिए अंदर जो कपड़ा लिया था वो लिया था मार्जिन का, यहाँ से हमने 2.5 इंच का कपड़ा अंदर बिल्कुल कर लिया है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ पर हम नापेंगे इसका सेंटर, जैसे कि इसका सेंटर आ रहा है 9 इंच, और 9 इंच का आधा हो जाएगा 4.5। ये देखिए दोस्तों, 4.5 पर यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 इंच की प्लेट, जो कि हमने इसका मार्जिन पहले से ही छोटा रखा है, तो 1.25 इंच हो जाएगा इधर और 1.25 इंच हो जाएगा इधर। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, देखिए दोस्तों 1.5 इंच की प्लेट हमारी बन चुकी है। और उसके बाद जो प्लेट की जो लंबाई रखने वाले हैं, हम रखेंगे इसकी 3 इंच की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 इंच की प्लेट की लंबाई रख ली है, और यहाँ से देखिए 4.5 इंच, और यहाँ से भी 4.5 इंच हम लगा लेंगे। दोस्तों इसी प्लेट के ऊपर से बिल्कुल हम सिलाई लगाएंगे, इसको रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। जो हमारी जो सिलाइयाँ लगेंगी दोस्तों, यहाँ से इस तरह से लगेंगी, ये देखिए इस तरह से ये हमारी बनेंगी प्लेट। दोस्तों ये पजामा है, इसलिए हम इसमें बैक पॉकेट नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ हम इसमें प्लेट डालेंगे और इसको फ्रंट वाले हिस्से के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों हिस्सों में प्लेटें डालनी है, यानी जो हमारा बैक हिस्सा था उसमें हमें दोनों तरफ प्लेटें डालनी है। अब हम इस हिस्से पर रखेंगे इसका फ्रंट वाला हिस्सा। फ्रंट वाला हिस्सा रखने के लिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ से आपको ये बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है, इस तरफ से ये सीधा है, और इसी के ऊपर हम रखेंगे सीधे पे सीधा। यानी देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आपको फ्रंट नज़र आ रहा है, यहाँ से सीधा है, यहाँ से उल्टा है, तो हमने यहाँ पर इसको सीधे पे सीधा रख दिया। उसके बाद यहाँ से और नीचे तक हम लगाएंगे इसमें 1/2 इंच की सिलाई, यानी 2-2 इंच की, 2-2 सूत की सिलाई लगाएंगे यहाँ से बिल्कुल बराबर करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, हमने इन दो हिस्सों को आपस में इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से जो हमारे दूसरे वाले हिस्से हैं उनको भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे, और इन दोनों हिस्सों को अटैच करने के बाद हम करेंगे इसकी साइड में से इंटरलॉक। देखिए दोस्तों, हमने इस वाले हिस्से में भी सिलाई लगा ली है, और इसको भी रख देंगे हम साइड में। हम लेंगे बेल्ट, ये हमारी जो बेल्ट हैं इसमें हम टिकट पॉकेट यानी जो अंदर वाली जो जेब होती है वो भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी बेल्ट को उस इनके झबलों के साथ अटैच कर देंगे। ये ले लिया हमने एक झबला, और इसमें से एक बेल्ट को पकड़ लेंगे। और दोस्तों ये हमारी सेलअप वाली है, इसमें हम लगा लेंगे कट वाले निशान। ये देखिए, ये हमने 2 कट के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद जो ये कपड़ा है इसको यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, और बिल्कुल यहाँ से बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगा इसमें 1 पैर की सिलाई। दोस्तों जब भी आप ये सिलाई लगाएंगे, आपको एक बात याद रखनी है, जो ये निशान नज़र आ रहा है आपको, ये पहला ये निशान और ये है दूसरा, जब भी आप बेल्ट की सिलाई लगाएं, आपको यहाँ से 1.25 इंच की सिलाई पर पहले ही ख़त्म कर देना है इसको। उसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद दोस्तों ये जो कपड़ा है इसके मार्जिन को हम रखेंगे इस हमारे झबले की तरफ, अंदर की तरफ, और यहाँ पर इसके ऊपर हम लगाएंगे बिल्कुल किनार की सिलाई। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी एक साइड की बेल्ट तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड की बेल्ट को भी तैयार करेंगे, लेकिन दोस्तों हम इसमें लुप्पी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये पजामा है और लुप्पियाँ हैं लगती हैं जो पैंट में लगती हैं।
उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे आखिर काम बचता है वो चैन लगाने का। वो चैन लगाएंगे फ्लाई पर और अब हम आपको बताएंगे फ्लाई किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह से 11 इंच के लगभग एक कपड़ा ले लेना है, उसके बाद उसको गुलाई कर लेना इस तरह से। इस तरह से गुलाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से यहाँ से 2 इंच नापेंगे। यहाँ से ये देखिए मैंने 2 इंच नाप लिया है और यहाँ पर मैंने 2 इंच पर ये निशान भी लगा लिया है। यहाँ भी लगा लेंगे 2 इंच का निशान। उसके बाद इसको बिल्कुल कैंची से बिल्कुल सीधा काट देंगे। तो दोस्तों एक फिलाई तो हम बनाएंगे इसमें से और दूसरी फिलाई बनाएंगे जो चैन वाली, वो बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम काटेंगे 2 इंच और यहाँ से काटेंगे हम 1 इंच। ये हमने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा काट देंगे, इस निशान से इस निशान तक आपस में सीधा काट देंगे। सबसे पहले दोस्तों इस फिलाई को बनाएंगे हम और इसमें लगाएंगे हम चैन। चैन को इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, इस कपड़े को रख लेंगे नीचे और इस कपड़ों इस चैन को रखेंगे इस कपड़े के ऊपर इस तरह से, और उसके बाद इन दोनों को यहाँ से बराबर करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद हमें एक और कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और ये ले लिया हमने वो कपड़ा, और इस कपड़े को इस तरह से रख लेंगे हम यहाँ पर और इस चैन वाले हिस्से को रख लेंगे इसके ऊपर उल्टा इस तरह से, और इस चैन को रख लेंगे इधर और इस कपड़े को रख लेंगे मशीन की तरफ इस तरह से, इसको बिछा लेंगे। दोस्तों इस कपड़े को बिछाने के बाद यहाँ से जो आपको ये कपड़ा नज़र आ रहा है, इसमें दो सूत की सिलाई लगाएंगे, यानी एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों इस सिलाई को लगाने के बाद हम यहाँ पर जो फालतू कपड़ा है इसको काट देंगे। दोस्तों इस कपड़े को इस तरह से काटने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो आपको जो हमने जो भी सिलाई लगाई है इस सिलाई को इस तरह से नाखून से बिल्कुल प्रेस जैसा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों हम इस सिलाई को यहाँ से जॉइंट को पकड़ेंगे, दोनों जॉइंटों को ऊपर से और नीचे से, और इसको बिल्कुल बराबर सिलाई को ले लेंगे बिल्कुल सेंटर में, और हम यहाँ से और यहाँ तक लगाएंगे एक पैर की सिलाई, यानी 2 सूत की सिलाई हम यहाँ भी लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद इस कपड़े को यहाँ से रखेंगे हम इस तरह से, और ये जो हमारी चैन है यहाँ से करीब 1/2 इंच के बाहर से एक और निशान लगाएंगे हम इस तरह से, और इन निशानों के ऊपर से हम इस कपड़े को काट देंगे। देखिए दोस्तों ये हमने कपड़ा यहाँ से काट दिया है। इस कपड़े को काटने के बाद हम इस चैन को उठा लेंगे ऊपर और इस नीचे वाले कपड़े को इस चैन के अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इसको फोल्ड कर दिया हमने, और हमें फोल्ड इस तरह से करना है ये कपड़ा जो ज़्यादा चैन के बाहर ना निकले, कपड़ा हमें एक सार फोल्ड करना है इसके बिल्कुल बराबर। देखिए तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चैन वाली फिलाई को तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे साइड वाली फिलाई को तैयार। तो वो फिलाई बनाने के बाद हम बनाएंगे साइड वाली फिलाई। साइड वाली फिलाई बनाने के लिए ये जो हमारी फिलाई है हम इस कपड़े के ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और जिस तरह से यहाँ से इसी कपड़े की गुलाई हो रही है इसी तरह से यहाँ पर हम इस सिलाई को इस तरह से गुलाई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी गुलाई कर ली है। उसके बाद इस फालतू कपड़े को मैं यहाँ से निकाल दूँगा। देखिए दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये वो हमारी सिलाई है, हमने इसको कर लिया है बिल्कुल सीधा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जो किनार पे से बिल्कुल यहाँ पर लास्ट तक हम एक सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये किनार की सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ से करीब 1 इंच की दूरी पर, और उस सिलाई लगाएंगे दोस्तों हम इसलिए ताकि ये कपड़ा इस सिलाई से डटा रहे। देखिए दोस्तों ये सिलाई हमने यहाँ से लगा ली है। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से और इसको बिल्कुल उल्टा कर लेंगे, और यहाँ से जो आपको ये अंदर से बड़ा वाला कपड़ा नज़र आ रहा है इसको यहाँ से काट देंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये हमारी दोनों फिलाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इन पल्लों को जोड़ लिया था और मैंने अब इनकी इंटरलॉक भी कर ली है। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें किनार की सिलाई। ये देखिए दोस्तों इस मार्जिन को कर लेंगे हम पिछले हिस्से की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही हमने इसमें किनार की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे फिलाई को, फिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों ये हमने फिलाई का कट लगा रखा है और यहाँ पर हम लगाएंगे इस फिलाई को। फिलाई लगाने के लिए दोस्तों हम यहाँ से इस सिलाई इसको जो हमने कट लगा रखा है इसके बराबर लगाएंगे
एक निशान एक एक पैर का और एक पैर के निशान के साथ इस सिलाई को बिल्कुल बाहर ले जाएंगे। देखिए हमने इस यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है, उसके बाद इस सिलाई को यहाँ से कर लेंगे इस तरह से फोल्ड और मार्जिन को रखेंगे सिलाई की तरफ और यहाँ से हल्का हल्का से नाखून से फिर ऐसा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम बिल्कुल किनार की सिलाई। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा लिया है, यहाँ पर हमने किनार की भी सिलाई लगा ली है। अब हम ये किनार वाली सिलाई लगाएंगे हमारे दूसरे वाले हिस्से में। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किनार की सिलाई लगा ली है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें सिलाई। देखिए दोस्तों ये कट है, यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें सिलाई। सिलाई लगाने के लिए हम इसको रखेंगे इस तरह से उल्टा और उल्टा रखने के बाद इस सिलाई को रखेंगे इसके नीचे और इस तरह से इसको कट से कट मिला लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है, उसके बाद इसको कर लेंगे इस तरह से सीधा और सीधा करने के बाद हम लगाएंगे एक और सिलाई। वो सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से इस किनार को बिल्कुल इस कपड़े को यहाँ से बिल्कुल चैन के करीब ले आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम किनार की सिलाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इस कपड़े में इसको सिलाई को लगा लिया है, अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों हम इस कपड़े को यहाँ से रख लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये जो सिलाई है हमारे पास हमारी तरफ आ जाएगी और इसको रख लेंगे बिल्कुल सीधा और बेल्ट के कपड़े को रखेंगे इसके ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कट है इस बेल्ट में और ये जो चैन का जो चैन है इस चैन को और कट को बिल्कुल आपस में मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ जो भी कपड़ा निकल के आएगा इस तरह से यहाँ से हम करेंगे सिलाई शुरू। बिल्कुल हम सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से और इस बेल्ट के बिल्कुल जड़ जड़ में आगे तक सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बिल्कुल बेल्ट की जड़ में लगा ली है सिलाई, उसके बाद इस फालतू कपड़े को काट देंगे। दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद हम इस बेल्ट के कपड़ों को कर देंगे इसके ऊपर और ये मार्जिन है जो ये सिलाई का जो मार्जिन है हमारे कपड़े का ये आ जाएगा बेल्ट के नीचे। बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जो ये हमारे पास झबले हैं हमारे बेल्ट के इन कपड़ों को इस तरह से अंदर की तरफ ले लेंगे और मार्जिन को ले लेंगे बेल्ट के नीचे और उसके बाद हम यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर बिल्कुल किनार की सिलाई। तो जब भी आप ये किनार की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर तो आपको ये सिलाई आगे तक नहीं ले जानी है, यहाँ चैन से तकरीबन 5 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई बाहर ही रोक देनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैंने 5 इंच पर सिलाई को रोक दिया है, यहाँ पर ये हमने एक हिस्से में बेल्ट जोड़ दी है, अब हम दूसरे वाले हिस्से में बेल्ट इसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला हिस्सा है, इसको हमने बिछा लिया इस तरह से, उसके बाद हम रखेंगे इस पर बेल्ट। ये हमारी दूसरे हिस्से वाली बेल्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो आपको एक कट नज़र आ रहा है ये कट यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और इसमें लग जाएंगे हमारे हुक यहाँ पर और यहाँ पर, और ये जो दूसरे वाला कट है इस कट को हम रखेंगे यहाँ पर जहाँ से हमने इस सिलाई को जॉइंट किया था इस कपड़े में, इस जॉइंट के बिल्कुल इस कट को मिला लेंगे आपस में इस तरह से और उसके बाद यहाँ से सिलाई करेंगे शुरू पक्की और इस बेल्ट की जड़ में लगाते हुए सिलाई को बिल्कुल बाहर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस सिलाई को लगा दिया है, उसके बाद हम इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और मार्जिन को रखेंगे इस बेल्ट के नीचे। इसको सीधा करने के बाद दोस्तों ये जो हमारे पास फालतू कपड़ा है जो हमारा झबले का कपड़ा है इसको रखेंगे हम बेल्ट के नीचे यहाँ पर और इसको अंदर डालने के बाद हम यहाँ से करेंगे इसके ऊपर किनार की सिलाई शुरू। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने किनार की सिलाई लगा ली है बेल्ट के ऊपर और दोस्तों अब हम लगाएंगे सिलाई शुरू। यहाँ से करेंगे जो हमें जहाँ यहाँ से सिलाई हमने अब के इस तरफ ली थी, अब की बार हम सिलाई लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर यहाँ से लगाएंगे सिलाई बिल्कुल किनार किनार की सिलाई बिल्कुल यहाँ से और इस तरह से और यहाँ पर सिलाई को घुमाते हुए बिल्कुल पार ले जाएंगे। ऊपर वाली सिलाई को लगाने के लिए हम इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से घुमा लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई को बिल्कुल बाहर ले जाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, उसके बाद यहाँ पर इस सिलाई को बिल्कुल किनार किनार से हम बिल्कुल आगे तक ले जाएंगे। दोस्तों ये हमने लगा ली है बेल्ट के ऊपर सिलाई और हमने दोनों बेल्टों के ऊपर सिलाई लगा ली है, अब हम इन बेल्टों को आपस में सिलाई से अटैच करेंगे।
सिलाई से अटैच करने के लिए दोस्तों इसको रख लेंगे हम साइड में, और जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है इसको बिछा लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, इसको बिछा लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर रखेंगे हम हमारा दूसरा वाला हिस्सा। दोस्तों अब यहाँ से आपको मेन फोकस करना होगा, यहाँ से ये सिलाई किस तरह से लगनी होती है। ये सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, ये जो आपको बेल्ट नज़र आ रही है और ये दूसरी वाली जो बेल्ट है, इन दोनों को आपस में बिल्कुल बराबर रख लेना है। अगर ये छोटा बड़ा कर दिया तो दोस्तों आपकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी, ये आपको बिल्कुल बराबर रखना है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है, जो नीचे वाली दोस्तों ये चेन है, ये जो चेन की सिलाई है और ऊपर वाली जो सिलाई है, इसकी सिलाइयों को दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से ऊपर आनी चाहिए और ये दोनों बेल्टें आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ से इसको इस तरह से दबा लेंगे अंगूठे से। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी हमें ये बिल्कुल सेम यही सीन रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से इन दोनों सिलाइयों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो हमारी नीचे की सिलाई है, ये हमारी ऊपर की सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। यहाँ से यह मैंने इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लिया और यहाँ से भी देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर कर लिया है। उसके बाद हम लगाएंगे सिलाई यहाँ से। ये जो आपको जो सिलाइयों का बिल्कुल लास्ट एंड है, यहाँ से एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और सिलाई को हम लगाएंगे यहाँ तक। जो ये आपको जो एक सिलाई नज़र आ रही है यहाँ पर, इस सिलाई से एक या दो टाँके आगे तक हम इस सिलाई को लाएँगे यहाँ। उसके बाद इस सिलाई को लाने के बाद यहाँ से ये सिलाई को बिल्कुल इस तरफ आगे की तरफ निकाल के ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी मशीन अब सिलाई के पास बिल्कुल आ चुकी है। तो यहाँ से मैंने एक टाँका ये ले लिया और दूसरा टाँका ये ले लिया बस। इसके अलावा दोस्तों हमें मशीन आगे नहीं चलानी है। उसके बाद इस मशीन को यहाँ से इस तरह से घुमा लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको घुमा लिया है। उसके बाद यहाँ से इस कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम यहाँ से एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर एक इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है, चाहे आप अंदाजे से लगा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से ये जो आप हमारा कपड़ा है, यहाँ के लास्ट एंड से यहाँ पर आपको एक इंच की दूरी पर ये निशान लगा लेना है और इस सिलाई को बस सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही लाना है। उसके बाद इस सिलाई को यहाँ से हम कर देंगे पक्की। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। अब हम इस कपड़े को हमने उल्टी तरफ से बिछा लिया है। जो हमारा चेन वाला हिस्सा है ये आ चुका है ऊपर, और जो हमारी साइड वाली सिलाई है वो जा चुकी है नीचे। दोस्तों अब हम इस जो हमारी चेन है, इस चेन को साइड वाली सिलाई से अटैच करेंगे। दोस्तों इस सिलाई को अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से जो आपको ये सिलाई पे जो सिलाई नज़र आ रही है, इस सिलाई को बिल्कुल इसके ऊपर ही रहने देना है। और इस चेन के ऊपर बिल्कुल हम लगाएंगे यहाँ पर एक एक पैर की सिलाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे किनार की सिलाई यहाँ से इस कपड़े को रोकने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सिलाई लगा ली है किनार की, उसके बाद हमें एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, इससे एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ से। और सिलाई दोस्तों हमें इस चैन से बिल्कुल हल्का सा दूर रखनी है, बिल्कुल चैन के ऊपर नहीं चढ़ानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने दो सिलाई लगा ली है, एक सिलाई ये हो गई, एक सिलाई ये हो गई। देखो हमारी सिलाई की हमारी चैन की दोनों सिलाई अब लग चुकी हैं। उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे। हमारा एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और हमारे बीच सेंटर में आ जाएगी चैन। दोस्तों अगर आपके पास ये फालतू कपड़ा निकला हुआ है, इसको आप कैंची से हटा देंगे। और दोस्तों इसको सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, इस जो हमारी चैन है और इस जो साइड वाली सिलाई है, इसको रख लेंगे बिल्कुल अंदर इस तरह से, इसके अंदर रख लेंगे। और जो आपको जो हमने किनार वाली सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को एक सूत अंदर ले जाएंगे हम अंदर की तरफ। हल्का सा मैं आपको एक बार निशान लगा कर बता देता हूँ, इसको ले जाएंगे हम अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ ले जाने के बाद दोस्तों हम लगाएंगे इसमें निशान। देखिए दोस्तों, आप अंगुली से महसूस कर सकते हैं, जो हमारी जो साइड वाली सिलाई है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये देखिए दोस्तों, हमारी साइड वाली सिलाई यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो अंदर का कपड़ा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों हमें जो सिलाई लगानी है, इस साइड वाली सिलाई के जो यहाँ पर जो कपड़ा ख़त्म हो रहा है, इस पर नहीं लगानी है। इससे हल्का सा करीब एक दो या दो सूत अंदर की तरफ लगानी है। इसको पकड़ लेंगे इस तरह से और इस नीचे वाले कपड़ों को रख लेंगे इस तरह से नीचे की तरफ, और उसके बाद हम करेंगे सिलाई शुरू। यहाँ पर सिलाई लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सिलाई को यहाँ से हल्का हल्का सा इस तरह से घुमा लेना है। मैं इधर से निशान लगा कर बताता हूँ, तो ये निशानों के ऊपर से हल्का हल्का सा सिलाई को घुमा लेना है और इस मशीन की सिलाई को यहाँ पर ला के हमें ख़त्म करना है।
देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सिलाई आ चुकी है, यहाँ पर इस सिलाई का एंड करना है और हमें यहाँ पर इस सिलाई को पक्की कर देना है। ये देखो देखो हमने यहाँ पर इस सिलाई को दो बार पक्का कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने टाँके लगाई है, इसको टाँके बनाने के कई सारे तरीके हैं, आप चाहें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से ही पक्की करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फिलाई वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे हुक। लगाने के लिए दोस्तों इस कपड़े को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर जो आपको एक निशान नज़र आ रहा है, इस निशान से इस फिलाई को, इस सेलअप को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें हुक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इन हुकों को ठोक लिया है, उसके बाद हम इन हुकों के ऊपर सिलाई को लगा देंगे। यहाँ पर इस सिलाई को बिल्कुल देखिए दोस्तों, इस नीचे वाली पट्टी को और ऊपर वाली पट्टी को दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ से सिलाई करनी है शुरू और बिल्कुल किनार की सिलाई लगाते हुए जहाँ तक ये लास्ट कपड़ा है यहाँ पर सिलाई को करेंगे ख़त्म और यहाँ पर कर देंगे हम लास्ट में पक्की। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई। यह देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर हुक को लगा दिया है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें आई का निशान। आई का निशान लगाने के लिए दोस्तों यहाँ से कुछ इस चैन को पकड़ेंगे और चैन को ले आएंगे बिल्कुल लास्ट तक। चैन को दोस्तों लाने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे इसको इस तरह से यहाँ से, और जहाँ पर ये जो हुक को जो निशान ख़त्म हो रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हुक का निशान ख़त्म हो रहा है यहाँ पर एक निशान लगाएंगे बिल्कुल। एक निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, उसके बाद इसी तरह से जहाँ जो हुक का लास्ट एंड है यहाँ पर आगे वाले हिस्से पर हमने एक निशान यहाँ पर लगा लिया। दोनों निशानों को लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर इस निशान को ले जाएंगे आगे तक, जो यहाँ तक लेके जाएंगे बिल्कुल बीच तक, क्योंकि हमारी जो आइयाँ लगेंगी यहाँ पर बिल्कुल बीच में लगेंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इन आइयों को भी सेट कर लिया है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमने 5 इंच के लिए जो दोस्तों ये सिलाई पहले ही रोक दिया था, ये सिलाई हमने इसीलिए रोकी थी क्योंकि यहाँ पर हमारी आइयें जो यहाँ पर गुम हो जाएंगी। अगर हम इस सिलाई को यहाँ तक ले आते तो यह कपड़ा हमसे सीधा नहीं होता और हमारी जो आइयों की पत्तियाँ हैं ये आपको बिल्कुल बाहर नज़र आती, और अब हमने ये बिल्कुल इनको अंदर कर दिया है। इनको अंदर करने के बाद दोस्तों अब हम लगाएंगे यहाँ से सिलाई, हम करेंगे बिल्कुल किनार की सिलाई। दोस्तों यहाँ पर सिलाई को लाने के बाद आपको सिलाई को रोक देना है, उसके बाद यहाँ से जो आपको फिलाई का लास्ट कपड़ा नज़र आ रहा है यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच कपड़े को रखते हुए बाकी कपड़े को काट देना है। इस कपड़े को काटने के बाद दोस्तों इसको फोल्ड कर देंगे इसके अंदर, और अंदर दोस्तों हमें इस तरह से करना है यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल जो एक सार नज़र आए। देखिए दोस्तों इस सिलाई को यहाँ पर ख़त्म करने के बाद हम दोबारा से इस सिलाई को यहाँ से आगे तक ले आएंगे और जहाँ जो हमारी सिलाई अधूरी है इस सिलाई में इसको मिला देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारी बेल्ट की सिलाई हो चुकी है बिल्कुल तैयार, अब हम इसमें लगाएंगे कमर के निशान। दोस्तों जो हम पजामा बना रहे हैं इसकी कमर है 32 इंच की, हमें 32 इंच का लेना है आधा 16 और 16 लेंगे हम यहाँ से। जो आपको देखिए दोस्तों यहाँ से जो चैन नज़र आ रही है इस चैन के ऊपर रख लेंगे हम 16 इंच को इस तरह से। देखिए फीते को हमने रख लिया बिल्कुल 16 है और इसको इस तरह से खींचेंगे आगे की तरफ और यहाँ पर हम लगा लेंगे निशान। ये हमने निशान लगा लिया है और ऐसा ही निशान हम लगाएंगे दूसरे वाले हिस्से में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फिलाई का जहाँ से शुरुआत हो रही है यहाँ से रखेंगे इस फीते को बिल्कुल बराबर और यहाँ से नापेंगे हम 16 इंच और यहाँ पर 16 इंच आ रहा है यहाँ। दोस्तों ये निशान लगाने के बाद हम इस कपड़े को यानी इस बेल्ट को आपस को यानी इस बेल्ट को आपस में इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए एक हमारा निशान ये हो गया और दूसरा हमारा ये निशान हो गया और इन निशानों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इस बेल्ट वाले कपड़े को ऊपर से बिल्कुल रख लेंगे बराबर। इसको बराबर रखने के बाद हम इस यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। और देखिए दोस्तों जब भी हम यहाँ पर ये बैक वाली सिलाई लगाएंगे तो हमें क्या करना है,
यहाँ से तकरीबन अंदाजे से या निशान लगाने के बाद आपको हमेशा 1.25 इंच का कपड़ा इस तरह से बाहर की तरफ रखना है, जो कि हमारा मार्जिन में आएगा। यहाँ से चाहे तो आप अंदाजे से लगा सकते हैं, चाहे आप इनमें निशान लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर जो आपको राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस ये चौड़ाई को ऑटोमेटिक ही कम कर देंगे। यहाँ से जो हमने 2 इंच की जो चौड़ाई ली थी, यहाँ पर हम इसको सवा कर देंगे। और इसी तरह से दोस्तों एक एक दो दो सूत हम इस सिलाई को यहाँ से घटाते हुए बिल्कुल यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारा लास्ट एंड होगा, यहाँ पर इस सिलाई को हम 1.25 इंच की ही छोड़ देंगे बस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलाई ख़त्म कर देंगे और सिलाई को ख़त्म करेंगे कम से कम यहाँ पर जो है हमारी जो ये देखिए इंटरलॉक है लास्ट की, यहाँ से इस सिलाई को 1.5 इंच की दूरी पर ख़त्म करेंगे। देखिए दोस्तों, फिक्स 1.5 इंच है, यहाँ पर हम इस सिलाई को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इस कपड़े को घुमा लेंगे वापस और जो हमने जो सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये पक्की और मज़बूत हो जाए। दोस्तों, इस सिलाई को लगाने के बाद यहाँ से जो छोटा बड़ा कपड़ा आ रहा है, इस कपड़े को कैंची से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और इसमें लगा लेंगे हम हल्के हल्के से कट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं कुटके। अब इन कुटकों को ऊपर यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा और तकरीबन 1/2 इंच के लगभग यहाँ पर इस मार्जिन को कर देंगे अंदर की तरफ। और इस मार्जिन को अंदर करने के बाद हम इस पर लगाएंगे सिलाई और इस सिलाई को हम ले जाएंगे बिल्कुल बाहर निकाल के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद हमें जो नीचे वाला कपड़ा है, इसको भी इसी के बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे 2-3 बीच में निशान, ताकि ये दोनों बिल्कुल बराबर फोल्ड हो सकें। और इन निशानों के ऊपर से इसी को नीचे वाले कपड़े को हम बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये दोनों सिलाइयों को लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ से इस बेल्ट को पकड़ेंगे और इन दोनों को सिलाई को कर लेंगे चिराई। इस तरह से बिल्कुल चिराई करने के बाद अगर आप चाहें तो इसकी यहाँ से तुरपाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं सिलाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब सबसे हमारा आखिरी काम बचता है, वो इसमें लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। जो हमारी आखिरी सिलाई है, वो आखिरी सिलाई इस तरह से है दोस्तों। इस इंटरलॉक वाले हिस्से को पकड़ लेंगे इसके ऊपर से, यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया है इस तरह से। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग वाले निशान, जो भी कि हमने फिटिंग लगाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान लगाने के लिए जो यहाँ पर हम थाइज रखने वाले हैं इसकी, ये रखेंगे 23 इंच की, और 23 इंच रखेंगे हम इस तरह से। यहाँ से जो इंटरलॉक है, यहाँ से हम इसको 1/2 इंच पर लगा लेंगे एक निशान। यहाँ से इसमें सब पे यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो हमारी सिलाई लगाएंगे हम इसी के ऊपर लगाएंगे। अब हमें जो फिटिंग के निशान लगाने हैं, इस निशान से लगाने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रखेंगे इसको, हमारा जो थाइज रखेंगे 23 इंच की, 23 इंच रखने के लिए दोस्तों 23 का आधा हो जाएगा 11.5, और 11.5 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ पर फिक्स आ रहा है। उसके बाद हम लगाएंगे मोहरी वाले निशान। हमें जो इसकी मोहरी रखनी है, वो रखनी है 14 इंच की, और 14 इंच का निशान लगाने के लिए यहाँ से नापेंगे हम 7 इंच। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम नापेंगे 7 इंच और इसको यहाँ से हल्का सा बराबर कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर हो चुका है। उसके बाद एक उंगली से दबा लेंगे यहाँ से और दूसरी उंगली से दबा लेंगे यहाँ से और इसको हल्का सा खींच लेंगे। दोस्तों, खींचने से फ़ायदा ये होता है, जो भी कपड़ा होता है ये अपनी जगह खुद सेट कर लेता है। उसके बाद जो यहाँ पर इंटरलॉक है, इस बिल्कुल इंटरलॉक के बराबर हम बाहर एक और निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं दोस्तों। जब भी हम सिलाई लगाएंगे इसमें, जो ये हमारा इंटरलॉक है, इससे सिलाई से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी और इसको ज़्यादा अंदर नहीं आएगी दोस्तों। अगर इसने यहाँ से अपनी जगह छोड़ दी तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये हमने लगा ली है एक तरफ निशान। दूसरी तरफ निशान लगाने के लिए दोस्तों, इसको हम पकड़ लेंगे यहाँ से, इस तरह से बिल्कुल कर लेंगे बराबर और इसी वाले हिस्से को इस तरह से बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों, इसको इस तरह से हल्का हल्का सा इस तरह से दबा देंगे दोस्तों। इसको दबाने से फ़ायदा ये है, जो ये हमारे ऊपर वाले निशान हैं, ये इसमें हल्का हल्का सा इस तरह से नज़र आ जाएंगे। और इन निशानों को नज़र आने के बाद हम इसको चाक से बिल्कुल डार्क कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बिल्कुल डार्क कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे सिलाई। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लगाएंगे सिलाई। और सिलाई लगाने के लिए दोस्तों, यहाँ से इस किनार को जो हमारे इंटरलॉक है, इस निशान के बिल्कुल बराबर रखेंगे।
देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारी सिलाई ख़त्म हो चुके है। उसके बाद इस धागे को काट देंगे यहाँ से, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें साड़ी में डबल सिलाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से 10 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लें और इस सिलाई को दोबारा से यहाँ से रिपीट कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारी ये सिलाई एक तरफ लग चुकी है, हम अब ये सिलाई को रखाएँगे दूसरे वाले हिस्से में। तो दूसरे हिस्से में लगाने के लिए दोस्तों हम इस कपड़े को बिछलेंगे इस तरह से, और यहाँ से जैसे हमने वहाँ बताया है इसी तरह से इन दोनों निशानों को, ये जो हमारी कटिंग हो रही है पैंट की, इनको कर लेंगे बिल्कुल बराबर, और इस वाले हिस्से को इस निशान के बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरह से, और इन निशानों को आगे तक इस तरह से मिलाते हुए इस सिलाई को आगे तक निकाल कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों सिलाई लग चुकी हैं, अब हम इन दोनों सिलाइयों को आपस में जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के लिए दोस्तों हम इस कपड़े को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से इसको पकड़ लेंगे बिल्कुल, और जो ये हमारे जो ये जो कपड़े नज़र आ रहे हैं इसको इस तरह से चिराई के साथ हम बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगने के बाद आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद जो हमारे ये जॉइंट हैं आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही और परफेक्ट जॉइंट हैं। दोस्तों ये हमारा पजामा बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों कहने को तो ये पजामा है लेकिन इसमें सारा काम हमने पैंट वाला किया है, इसमें 2 या 3 ही काम छोड़े हैं, जैसे कि इसमें लुप्पी हमने नहीं लगाई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें बैक पॉकेट भी नहीं लगाया है, बाकी ये सारा का सारा काम हमने पैंट वाला करके दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसकी तुरपाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी पोंछे में सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें लगाएंगे सिलाई, क्योंकि दोस्तों इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिलाई की हमारे सामने आई है। ये हमने देखिए दोस्तों सबसे पहले जब भी आप वीडियो शुरू की थी उसमें हमने इसको फोल्ड करके आपको बताया था, तो हमें जो यहाँ से जो प्रेस से फोल्ड हो रहा है इसके ऊपर से ही बिल्कुल फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल सीधा हो चुका है, और उसके बाद दोस्तों हम इसमें लगाएंगे सिलाई, जो कि सिलाई की जो चौड़ाई रहेगी हमारे कपड़े की वो रहेगी सिर्फ 1.5 इंच की। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1.5 इंच की सिलाई चौड़ाई कर ली है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पोंछे में लगा ली सिलाई, सेम इसी तरह से दूसरी वाली सिलाई भी हम दूसरे पोंछे में लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमने ये दूसरे वाले पोंछे पे भी हमने ये सिलाई लगा ली है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी पैंट भी जो हमारा बेल्टदार पजामा था बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिसको हमने कंप्लीट किया है। देखिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर वाकई में आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की सिलाई से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो टाइम पर मिलते रहें तो आप ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों को इसी तरह के अगले वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।